नए वीडियो के साथ मैं आपको बताऊँगा कैसे डालने का है वेरिएंट गोलम मोड फॉर माइनक्राफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कौन सा गोलम है। इसके अंदर अकेशा गोलम, एमएसटी गोलम, बर्ज गोलम, बोन गोलम, कॉबलस्टोन गोलम, क्रिम्सन गोलम, डार्को गोलम, डायमंड गोलम, डिस्पेंसर गोलम, एमरल्ड गोलम, फ्रोजन गोलम, फर्नेस गोलम, गोल्ड गोलम, जंगल ओ गोलम, ऐसे लैपिस गोलम बहुत सारे। तो मैं आपको भी एक एक करके दिखाता हूँ जितने में ऐसे हो सकता है। तो पहले आपको दिखाने वाला मैं नेदरराइट गोलम। नेदरराइट गोलम के लिए आपको चाहिए नेदरराइट ब्लॉक, और आपको सबसे मेन आपको कार्क पंपकिन ले लेना है, और फिर आप इसका डालने का तो आपको मिलेगा कार्क पंपकिन वर्जन 2। तो ये समझ के होता है इधर। तो जैसे मैं अभी इसको इधर लिया ऐसा, अब देखो जैसे इसको सेट किया, ये देखो अपना स्पॉन हो चुका है अपना नेदरराइट गोलम, और इसका डिफेंस है 200। ये नंबर सेकंड पे आता है डिफेंस में, और नंबर वन पे आता है सबसे खतरनाक ब्लॉक, वो है अपना ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन गोलम सबसे ज़्यादा डिफेंस वाला है। तो जैसे मैंने इसका भी देखो आपको स्पॉन करके दिखाता हूँ, जैसे सेम से वही करने का है, और जैसे स्पॉन हुआ तो इसका डिफेंस देखो आपने किधर गया हो। नेदरराइट गोलम का डिफेंस 200 है, पर इसका 275, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस इसका। तो और बहुत सारे जिससे कि इधर स्लाइम है, स्लाइम का ब्लॉक ले लो, और फिर जैसे ही आप इसको तो स्पॉन करेंगे स्लाइम गोलम है, जैसे आपने तो स्पॉन किए देखो ये ऐसा दिख रहा है, इसकी हाइट आप देख लीजिएगा। आप देखो जैसे मैं स्वॉर्ड लेता हूँ स्वॉर्ड, और देखो इसकी हाइट कम हो जाएगी थोड़ी देर में, जैसे मैं इसको मार लगूँगा इसकी हाइट नॉर्मल गोलम नहीं थी, थोड़ी देर मारूंगा इसको मैं, उसका थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखो ये देखो कम हो गए, ये स्लाइम जैसा वक्त है बाद में तो मर जाएगा, बाद में कम नहीं होगी, सिर्फ एक ही बार कम होती है। मैं आपको एमएसटी गोलम दिखाता हूँ, वर्ल्ड बोलने के लिए हार्ड हो रहा है ये एमएसटी ब्लॉक मिलेगा आपको, और फिर इसको सेम टू सेम गोलम के पोज में रखा था, जैसे गोलम का पोज रहता वैसे। देखो ये भी आ चुका है, ये तो बहुत कलरफुल लग रहा है, और इधर गोल्ड गोलम भी है, जिसको बोल दिया मैंने, उनको जिसका देखो मैं गोल्ड गोलम लूँगा, ये गोल्ड गोलम बन चुका है, क्या सेल लग रहा है गोल्ड गोलम। और आपको अगर पंपकिन तोड़ने का है तो आप ऐसे ही तोड़ेंगे, सिर्फ क्लिक करना इसके ऊपर तो ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। और इसको आपको यूज़ करने के लिए एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले ऑन रखना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ लैपिस गोलम, लैपिस का ब्लॉक लेना है, और फिर हाँ गलत प्रेस करो, तो देखो जैसे मैंने ऐसा किया लैपिस गोलम भी तैयार हो चुका है। आपको फर्नेस गोलम दिखा था, उसका बहुत मुझे पसंद आया, आपको दिखाऊँ तो आपको उसके लिए पहले आपको एक नॉर्मल फर्नेस देना है, और कॉबल स्टोन भी जरूरी है, कॉबल स्टोन। तो आपको फिर उसको ऐसे रखने का, तो दिखा था मैं एक ऐसा ऐसा, फिर तो वापस से कॉबल स्टोन लेके एक ऐसा, और फिर ऐसा, और फिर वापस लोग को इधर ऐसा क्राउच होना है, तो उसके ऊपर रख देना, फिर बन गया अपना फर्नेस गोलम। और फिर अब जैसे उसको आपको सब अपने हाथ तक कोई में चार को कुछ भी रख सकते हैं। देखो जैसे भाग गए किधर भी ये रखो, इसकी स्पीड इतनी नॉर्मल है, और जैसे आप इसको ऐड फ्यूल करेंगे, फ्यूल ऐड हो चुका है, तभी बहुत स्पीडली भागेगा यार, भाग क्यों मेरा अभी है यार, पानी के अंदर चला गया अभी इसको पहाड़े। मैं आपको वापस एक बार स्पॉन कर दिखा था फटाफट, वापस उधर जा रहे हैं, मतलब कोई दूसरा काम नहीं था ऐड फिर। अब देखो उसकी स्पीड कत्ते शक्तिमान बन चुका है भी। तो इधर और भी है मैग्मा कॉलम भी है, आपको दिखाता हूँ मैग्मा कॉलम, मैग्मा गोलम आपको मैग्मा ब्लॉक करना है,
और फिर आपको इधर इसको सब प्लेस करना है ऐसा वापस सिंपल से ऐसे। तो ये बन चुका है मैग्मा गोलम। इसके अंदर टीएनटी गोलम भी आपको दिखाता हूँ। टीएनटी गोलम आपको टीएनटी गोलम तो उसको ऐसा कुछ ऐसे मैंने कर सिंपल से ना फिर बन चुका अपना टीएनटी गोलम अच्छा कर दिया। और भी फंस जाएगा निकल गया है देखो सारे के फायर बॉल कॉलम। तो इसको करना थोड़ा अलग है। तो आपको सोल सैंड कॉलम आपको मिल जाएगा। देखो सोल देखो सोल सैंड करें ना आपको क्योंकि इसका कुछ अलग है मेरे हिसाब से करने को भी इतना अच्छे से पता नहीं है। ये देखो सोल सैंड कॉलम भी इधर तो और एक खतरनाक बड़ा है कॉबल स्टोन कॉलम भी है। और फिर ये रखो कॉबल स्टोन कॉलम इसके अंदर बहुत सारे आपको मैं लिंक दे दूंगा ना उसमें आपको दिख जाएंगे ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो से इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।